मैडम क्या नाम है? रेणु। रेणु जी आपके अपने भाई पे हत्या जो हो गई है, क्या है प्रॉब्लम? इसलिए संदेश है भाई की हत्या है कि हमारी जो भाभी है और भाई की जो साले है, हमारे भाई की मां सारी प्रॉपर्टी सब पैसा उनका ले लिया, सब अपने नाम करा रखी, गाड़ी भी अपने नाम, सब कुछ हमारे भाई के नाम कुछ भी नहीं है और भाभी के बच्चे नहीं है। और एक बार भाई अभी आए थे थोड़े दिन पहले, तो ये कह रहे थे कि जो तुम्हारी भाभी है हमने यहाँ जाना, जाके भैया ने हमारे गले पर मतलब मुंह पर तकिया रखा और तकिया रख के मारने की कोशिश करी, तो किसी ने गेट बजा दिया तो इन्हें हमें छोड़ दिया। तो पापा ने कही कि तो तू नौकरी छोड़ दे, तो भैया बोले कि अब पापा इतने दिन इस्तीफा दे दे नौकरी से, तो इस्तीफा दे दे नौकरी से, तो तो भैया बोले कि अरे पापा इतने दिन कटी और काट लेन दे। तो पापा ने कही भाई तू जाना होशियार रहा, इसलिए हमें संदेश है ना, हमारे भाई को मारा गया शाम को। मेरे भाई सही सलामत, क्या नाम आपका? मेरा नाम मल्का सिंह। मेरा भाई शाम को सही सलामत था, रात में क्या होगा लगभग 11-12 के बीच में मेरे भाई की डेथ हो गई है और मेरा भाई बीमार नहीं था, मेरे भाई को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आपका ये कौन थे आपके? मानोई। क्या नाम है इनका? सुदेश कुमार। कैसे क्या घटना हुई, कैसे मृत्यु हो गई इनकी? मृत्यु कैसे नहीं हुई, ये जो उन्हें इनकी सांस फूल रही थी, इनको स्नोपीलिया थी, इन्होंने सुबह हमारे साथ में पूरा दिन दवाई के लिए डॉक्टर के दुकान भागे, श्रीवास्तव खियाँ गए और उदयराज खियाँ गए, फतेहगढ़ आए, फतेहगढ़ में इनके रविंद्र गौड़ खियाँ आए, भारत गौड़ खियाँ आए और वो कहना एक और है राजश्री, रात में गए कोई नहीं मिला हमें। फिर उसके बाद हम घर जब उन्होंने कहा लोहिया ले जाओ, लोहिया लेकर गए, उसके बाद जो उन्हें तब हम घर लेकर के आए। हार्ट अटैक हुआ है क्या? हाँ, उन्होंने साफ मना कर दिया, भैया अटैक है। कहाँ काम करते थे? जिला जज साहब के यहाँ, वो कचहरी कर्मचारी हैं, कचहरी के कर्मचारी हैं, फोर्थ क्लास के कचहरी में सर्विस करते हैं, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं।